हर टेक्निकल एनालिसिस बुक के अंदर लिखा हुआ है कि आरएसआई इंडिकेटर एक बहुत अच्छा इंडिकेटर है और अगर आप उसको यूज करेंगे तो प्रॉफिट होता है, लेकिन आपने अगर उसको यूज किया है तो आपको लॉस हो रहा है और आप सोच रहे होंगे कि क्या वो इंडिकेटर सच में काम करता है। तो हम इस वीडियो के अंदर इस इंडिकेटर को एकदम अच्छे से टेस्ट करने वाले हैं और देखने वाले हैं कि क्या ये काम करता भी है या नहीं करता है। तो चलिए देखते हैं। तो आगे जाने से पहले जल्दी से मैं आपसे सारी टेस्टिंग की डिटेल्स डिस्कस कर लेता हूं, जहां पे सबसे पहली चीज ये है कि RSI इंडिकेटर को यूज कैसे किया जाता है। जहां पे RSI के अंदर दो टाइप के जोन होते हैं, एक 70 से ऊपर वाला जोन जिसको बोलते हैं ओवर बॉट जोन, एक 30 से नीचे वाला जोन जिसको बोलते हैं ओवर सोल्ड जोन। RSI की टेक्निक के अकॉर्डिंग जब RSI 30 से नीचे आता है, उसके बाद जब 30 से ऊपर आता है तो आपको यहाँ पे बाय करना होता है, एंड इस बाय पोजीशन को आपको तब तक रखना होता है जब तक या तो आपका प्रीडिफाइंड टारगेट ना लग जाए या फिर RSI ओवरबॉट जोन में दोबारा ना आ जाए। तो हम अपनी टेस्टिंग के अंदर इन्हीं रूल्स को यूज करने वाले हैं। अब बात कर लेते हैं टेस्टिंग प्लेटफॉर्म की, जिसके लिए हम यूज करने वाले हैं जीरोधा का स्ट्रीक प्लेटफॉर्म, जो कि एक ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म है। हम इसके लिए कुछ और वीडियोस पहले भी बना चुके हैं, हम उनकी लिंक ऊपर आई बटन में डाल देंगे, आप वहां पे जाके देख सकते हैं। ये प्लेटफॉर्म बेसिकली काम आता है टू टेस्ट योर स्ट्रैटेजीज। आप इस प्लेटफॉर्म को यूज करके एक्यूरेटली देख सकते हैं कि वो चीज कितनी काम करती है और कितनी काम नहीं करती है, और अगर वो काम नहीं करती है तो वहां पे कमी कहां कहां पे है वो भी चीज आपको यहां पे दिख जाती है। और अब अगली बात कर लेते हैं अपने टेस्टिंग के सैंपल साइज की, यानी हम कौन कौन से स्टॉक्स में इसको टेस्ट करने वाले हैं। तो हम टेस्टिंग के लिए टोटल 10 स्टॉक्स को यूज कर रहे हैं और ये 10 स्टॉक एक दूसरे से एकदम अलग हैं। जैसे कि हमारी लिस्ट में पहला स्टॉक है डीमार्ट, जो कि एक मिड कैप स्टॉक है। हमारी लिस्ट में नेक्स्ट स्टॉक है बजाज फाइनेंस, जो कि एक अप ट्रेंडिंग स्टॉक है और जो 3500 के आसपास है, मतलब ये एक हाई प्राइस स्टॉक है। ऐसा ही हमने एक और स्टॉक लिया जिसका नाम है ICICI बैंक, ये भी एक अप ट्रेंडिंग स्टॉक है लेकिन ये एक लो प्राइस स्टॉक है। तो हमने दोनों टाइप के स्टॉक ले लिए, अप ट्रेंड वाले, एक हाई प्राइस स्टॉक और एक लो प्राइस स्टॉक। और उसके बाद आता है येस बैंक, जो कि एक न्यूज बेस्ड डाउन ट्रेंड वाला स्टॉक है। देन लिस्ट में नाम आता है DHFL का, जो कि अगेन न्यूज बेस्ड डाउन ट्रेंड स्टॉक है, बट यहाँ पे नीचे आने की स्पीड येस बैंक से कहीं ज्यादा है, तो हमने इसको भी अपने लिस्ट में लिया है। और इसके बाद अगला स्टॉक है PC ज्वेलर, ये इंट्राडे फेमस स्टॉक है, मतलब इसके अंदर बहुत सारी इंट्राडे ट्रेडिंग होती है, इंट्राडे वॉल्यूम होती है, दैट्स व्हाई हमने इसको लिया है। और अब अगला स्टॉक है टाटा मोटर्स, ये एक लॉन्ग टर्म डाउन ट्रेंड स्टॉक है, मतलब इसमें बहुत टाइम से एक डाउन ट्रेंड चल रहा है, तो हमने इसको भी अपनी लिस्ट में ले लिया। इसके बाद नेक्स्ट स्टॉक है MRF, जो कि एक बहुत ही ज्यादा हाई प्राइस स्टॉक है। अगर आप इसका प्राइस देखेंगे तो 54,000-55,000 के आसपास है, तो ये एक हाई प्राइस स्टॉक है, हम देखना चाहते थे कि RSI क्या ऐसे स्टॉक में भी काम करता है। और इसके बाद हमारी लिस्ट में नेक्स्ट नाम है JSW स्टील का, जो कि फंडामेंटल इन्वेस्टर्स की एक फेवरेट चॉइस है। और हमारी लिस्ट में लास्ट नाम है ओरो फार्मा का, जो कि एक फार्मा स्टॉक है और ये बहुत टाइम से कंसोलिडेशन में चल रहा है, हम देखना चाहते थे कि RSI क्या कंसोलिडेशन में अलग परफॉर्म करता है या वो ट्रेंडिंग स्टॉक्स की तरह कंसोलिडेशन में भी सेम परफॉर्म करता है, तो इसलिए हमने इस स्टॉक को भी अपनी टेस्टिंग लिस्ट में ले लिया। और ऐसे करके हमारे ये 10 स्टॉक के नाम यहां पे हो गए। और अगर मैं टाइम फ्रेम की बात करूं तो हम टोटल 3 टाइम फ्रेम यूज करने वाले हैं, एक है 15 मिनट, एक है 1 आवर और एक है 1 डे। हम तीनों टाइम फ्रेम में देखने वाले हैं कि RSI किस टाइम फ्रेम में परफॉर्म करता है और किस टाइम फ्रेम में परफॉर्म नहीं करता है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं, जहां पे हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे 15 मिनट टाइम फ्रेम से। हमने अपनी स्ट्रैटेजी इस प्लेटफॉर्म को समझा दी है, जहां पे जैसे ही RSI 30 से ऊपर जाएगा वहां पे हमारे 100 शेयर्स बाय हो जाएंगे। और एग्जिट के लिए हमने दो कंडीशन यहां पे लिखी है। पहली कंडीशन है कि RSI अगर 70 से ऊपर जाएगा, मतलब ओवरबॉट जोन में जाएगा, तो हमारा एग्जिट हो जाएगा, या फिर अगर उससे पहले हमारा टारगेट लग जाता है, जो कि हमने यहां 6% का दिया है, तो हमारा ट्रेड एग्जिट हो जाएगा। हमने यहां इनिशियल स्टॉप लॉस दिया है 3% का, तो मतलब 3% का स्टॉप लॉस और 6% का टारगेट। तो हम इनिशियली इससे टेस्टिंग करेंगे और देखते हैं कि ये काम करता है या नहीं करता है। तो चलिए मैं बैक टेस्ट पे क्लिक करता हूं। ओके, तो मेरी यहां बैक टेस्टिंग कंप्लीट हो चुकी है, जहां पे सारे बैक टेस्टिंग के रिजल्ट्स यहां पे आ चुके हैं। ICICI बैंक के अंदर 4% का प्रॉफिट, PC ज्वेलर के अंदर 37% का लॉस, DHFL के अंदर ऑलमोस्ट एट पार है, ना कोई प्रॉफिट ना कोई लॉस, ओरो फार्मा के अंदर 11% का लॉस, टाटा मोटर्स के अंदर 9% का लॉस, MRF के अंदर 6% का लॉस, येस बैंक के अंदर 26% का लॉस, बजाज फाइनेंस के अंदर 4% का प्रॉफिट, JSW के अंदर 2% का प्रॉफिट, डीमार्ट के अंदर 1% का लॉस। तो ओवरऑल यही दिख रहा है
ये स्ट्रेटजी बहुत ही ज्यादा बुरा परफॉर्म कर रही है, जहां पे इतने बड़े बड़े लॉसेज यहां पे हैं। तो इसका मतलब ये है कि 15 मिनट टाइम फ्रेम के अंदर ऐसा काम नहीं चलेगा, हमें कुछ और चेंजेस करने पड़ेंगे। अगर आप 15 मिनट टाइम फ्रेम के अंदर RSI को यूज करते हैं तो यूज करना बंद कर दीजिए इन सेटिंग्स के साथ। अब इसके बाद कुछ चेंजेस करते हैं और देखते हैं कि क्या वहां पे कुछ चीजें इंप्रूव होती हैं या नहीं होती हैं। जहां पे मैं क्या करने वाला हूं, अभी रिस्क टू रिवॉर्ड जो मैंने 2:1 रखी हुई थी उसको चेंज करके 3:1 कर देता हूं, जहां स्टॉप लॉस मेरा 3% करेगा लेकिन टारगेट में टोटल 9% का कर देता हूं। एंड देखते हैं कि हमारी जो ओवरऑल टेस्टिंग है, जो रिजल्ट है, वो इंप्रूव होते हैं या उल्टा और खराब हो जाते हैं। तो चलिए देखते हैं। ऑल राइट, तो टेस्टिंग कंप्लीट हो चुकी है एंड आप जैसे देख रहे हैं कि घुमा फिरा के वहीं पे सारे रिजल्ट्स आए हैं, कुछ खास फर्क नहीं पड़ा है। इसका मतलब ये है कि अगर आप RSI यूज करते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम के अंदर तो यूज करना बंद कर दीजिए, क्योंकि वो 15 मिनट टाइम फ्रेम के अंदर काम नहीं करता है। बुक्स में जो भी लिखा हुआ है उससे फर्क नहीं पड़ता है, बट अगर आप 15 मिनट टाइम फ्रेम में यूज कर रहे हैं तो आपके सामने है वहां पे आपको इतना लॉस होता, एंड अगर प्रॉफिट होता तो वो कुछ खास ना होता। तो चलिए अब देखते हैं कि RSI इंडिकेटर 1 आवर टाइम फ्रेम में काम करता है या वहां भी काम नहीं करता। तो उसके लिए मैंने टाइम फ्रेम में चेंज करके यहाँ पे 1 आवर कर दिया है, उसके अलावा सब सेटिंग सेम है। सिर्फ मैं यहाँ पे स्टॉप लॉस को चेंज करके 3-4% कर रहा हूँ, बिकॉज 1 आवर में वॉलिटिलिटी ज्यादा होती है, तो इसलिए 3% कम पड़ेगा, इसलिए मैंने 4% कर दिया है। और साथ में मैं रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो 2:1 रख रहा हूँ, मतलब 4% का स्टॉप लॉस या 8% का प्रॉफिट। तो या तो हमारा ये 8% का टारगेट लगेगा या फिर जो ओवरबॉट जोन है जो कि 70 के ऊपर है वहां पे RSI आ जाएगा और मेरा एग्जिट हो जाएगा। तो चलिए इससे बैक टेस्टिंग करते हैं। ओके, तो बैक टेस्टिंग यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है उन सेटिंग्स के साथ, एंड आप देख रहे हैं फिलहाल कुछ प्रॉफिट दिखना चालू हो चुका है, लेकिन लॉसेस अभी भी हैं, लेकिन फिर भी प्रॉफिट दिखना चालू हो चुका है। तो इसको एक बेटर साइन मानते हैं। इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे हम बड़े टाइम फ्रेम पे आ रहे हैं वैसे वैसे कुछ चेंजेस अगर हम करते हैं तो उसके साथ हमें प्रॉफिट मिल सकता है। अगर हम यहाँ प्रॉफिट और लॉस की बात करें तो ICICI बैंक के अंदर 22% का प्रॉफिट, PC ज्वेलर के अंदर 32% का लॉस जो कि 15 मिनट टाइम फ्रेम के अंदर भी था, DHFL के अंदर एट पार है, ना कोई प्रॉफिट ना कोई लॉस, और फार्मा के अंदर 22% का लॉस, टाटा मोटर्स के अंदर 24% का लॉस, MRF के अंदर 19% का लॉस, येस बैंक के अंदर 54% का लॉस, डीमार्ट के अंदर 24% का प्रॉफिट, बजाज फाइनेंस के अंदर 8% का लॉस और JSW के अंदर 24% का लॉस। यहाँ पे अभी भी यही दिख रहा है कि RSI को अगर आप यूज करते हैं अकेले उसके रॉ फॉर्म के अंदर तो उससे बुरा कुछ नहीं हो सकता, एंड आप यही इंडिकेटर को बिना देखे यूज करे जा रहे थे। तो अभी हमने एक चीज सीखी है RSI इंडिकेटर के बारे में कि अगर आप हायर टाइम फ्रेम पे जाते हैं तो आपको रिजल्ट्स थोड़े से बेटर मिल सकते हैं, लेकिन अभी भी आप नेट प्रॉफिटेबल नहीं हो, अभी भी आप लॉस में ही होगे। तो चलिए अब इसी टाइम फ्रेम के अंदर कुछ चेंजेस करके देखते हैं और देखते हैं कि क्या हम इन रिजल्ट्स को इम्प्रूव कर पाते हैं या नहीं। जहां पे बाकी सब चीजें तो हम सेम रहने देंगे लेकिन सिर्फ एक चीज इम्प्रूव करेंगे जो कि है रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो, जो कि मैं 2:1 से बढ़ा के 3:1 करने वाला हूं। और अब देखते हैं कि क्या हमें अभी प्रॉफिट होता है कुछ शेयर्स के अंदर या हमारा लॉस बढ़ जाता है। तो चलिए देखते हैं। ओके, सो बैक टेस्टिंग कंप्लीट हो चुकी है एंड यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ा है। जहां पे लॉस था वहां पे 1-2% कम हो गया है मोस्ट ऑफ द शेयर्स के अंदर, कुछ शेयर के अंदर 1-2% बढ़ गया है एंड प्रॉफिट भी 1-2%, मतलब हर जगह 1-2% का ही फर्क पड़ा है अभी तक। तो अभी और चेंजेस करते हैं और देखते हैं कि और चेंजेस से क्या इंप्रूवमेंट होती है या नहीं होती है। जहां पे हम फिर से रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो में जाके 3:1 की जगह 4:1 करने वाले हैं और देखते हैं कि क्या इससे कोई फर्क पड़ता है या इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो मैं बैक टेस्टिंग पे क्लिक कर रहा हूँ। ओके, तो बैक टेस्टिंग अभी कंप्लीट हो चुकी है और अभी कुछ इंटरेस्टिंग चीजें हुई हैं। जहां पे DHFL जो कि पहले एट पार था अब वो थोड़ा सा प्रॉफिट में आ चुका है, बाकी सबके लॉसेज में कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ा है। हाँ, दो शेयर का लॉसेज और ज्यादा बढ़ गया है, उनमें से एक है PC ज्वेलर और एक है येस बैंक, जिनका लॉस कंपैरेटिवली पिछले केस से ज्यादा बढ़ गया है, लेकिन एक शेयर जो पहले एट पार था हम उसका प्रॉफिट थोड़ा सा बढ़ा पाए, बाकी सबके प्रॉफिट लॉस में कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ा है। तो इसका भी कंक्लूजन वही है कि 1 आवर के अंदर आप थोड़ा बहुत प्रॉफिट लॉस इंक्रीज कर सकते हो सेटिंग वगैरह चेंज करके, लेकिन अल्टीमेटली 1 आवर टाइम फ्रेम के अंदर भी RSI आपको नेट प्रॉफिट नहीं दे रहा है। RSI हर स्टॉक में प्रॉफिटेबल नहीं है, उसके लिए आपको कुछ स्टॉक चुनने पड़ेंगे। अगर आप कुछ स्टॉक चुन सकते हैं उसके बाद आप उन स्टॉक में ट्रेडिंग करेंगे तो प्रॉफिटेबल हो सकते हैं, लेकिन अगर आप हर स्टॉक में RSI यूज करेंगे बिना देखे तो आप प्रॉफिटेबल नहीं हो पाएंगे। तो देखिए अभी तक हम बहुत ही बुरी तरह फेल हुए हैं, हमारे RSI इंडिकेटर ने बिल्कुल भी परफॉर्म नहीं किया है।
तो अब बस लास्ट ट्राई कर लेते हैं जो कि है डेली टाइम फ्रेम के अंदर, उसमें सारी सेटिंग्स हम सेम रखेंगे जो कि हर बुक में बोली गई है, और हम सिर्फ एक चीज में चेंज करेंगे जो कि है हमारा स्टॉप लॉस, जो कि 4% से बढ़ा के मैं 5% कर दूंगा, क्योंकि डेली टाइम फ्रेम के अंदर ज्यादा वॉलिटिलिटी होती है इसलिए। एंड मैं यहाँ पे भी सबसे पहले स्टार्ट करूंगा 2:1 रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो से, जहां पे 5% का स्टॉप लॉस एंड 10% का प्रॉफिट रहेगा। इसका मतलब या तो मेरा 10% वाला टारगेट लग जाएगा या फिर RSI 70 से ऊपर क्रॉस हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं कि अभी हमें कुछ अलग रिजल्ट्स मिलते हैं या नहीं मिलते हैं। तो मैं बैकटेस्टिंग पे क्लिक कर रहा हूँ और यहाँ पे मेरे पास बैकटेस्टिंग के रिजल्ट आ चुके हैं। एंड ये बहुत ज्यादा शॉकिंग है, अगर आप इस वीडियो को रिवाइंड करेंगे और वहां पे अगर आप 15 मिनट और 1 आवर के रिजल्ट देखेंगे, जहां पे इतना बड़ा लॉस था पीसी ज्वेलर के अंदर और फार्मा के अंदर, वहां पे लॉस एकदम खत्म ही हो गया। एंड बहुत सारे शेयर्स के अंदर प्रॉफिट बहुत बढ़ गया है, जैसे BHFL के अंदर इतना प्रॉफिट बढ़ गया 40% का प्रॉफिट, जहां पे डीमार्ट के अंदर 14% का प्रॉफिट, येस बैंक के अंदर 54% का प्रॉफिट, बजाज फाइनेंस एट पार है, JSW स्टील में लॉस है। ये एक अकेला ऐसा केस है जहां पे आपको लॉस हो रहा है, उसको छोड़ के बाकी सब केसेस में आपको इंप्रूवमेंट देखने को मिली है। अगर आप इस वीडियो को रिवाइंड करेंगे और वहां के रिजल्ट्स अगर आप इस स्क्रीन से कंपेयर करेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि मैं इतना खुश क्यों हो रहा हूं। तो इस स्क्रीन को देख के एक चीज हमको समझ में आई है, क्या कि डेली टाइम फ्रेम के अंदर RSI इंडिकेटर बेटर परफॉर्म कर रहा है। अगर आप RSI इंडिकेटर को 1 आवर टाइम फ्रेम के अंदर या 15 मिनट टाइम फ्रेम के अंदर यूज कर रहे थे इससे पहले, तो आप उससे बुरा कुछ और नहीं कर सकते हैं, वहां पे वो इंडिकेटर परफॉर्म नहीं कर रहा है। और अगर कर भी रहा है तो हर स्टॉक में नहीं कर रहा है, बहुत स्पेसिफिक टाइप के स्टॉक्स में कर रहा है, और आपको उन स्टॉक्स को पहले चुनना पड़ेगा, पहले चूज करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप उन स्टॉक्स में RSI यूज कर सकते हैं। पर बिना देखे RSI यूज करना चाहते हो तो 1 आवर एंड 15 मिनट में आप नहीं कर सकते। अगर हम डेली टाइम फ्रेम की बात करें तो वहां पे अलग अलग टाइप के स्टॉक्स में भी RSI ने पहले से बेटर परफॉर्म किया है। अभी भी मुझे लगता है कि चीजें यहां से इंप्रूव की जा सकती हैं, जिसको अभी हम ट्राई करेंगे, बट हां यहां तक अच्छे साइंस मिलने चालू हो चुके हैं। तो अभी मैं इस स्ट्रेटजी के अंदर कुछ बेसिक चेंजेस कर रहा हूं, जहां पे और कोई चीज मैं नहीं छेड़ूंगा, सिर्फ रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो जो कि पहले मैंने 2:1 रखी हुई थी उसको चेंज करके अब मैं 3:1 कर दूंगा, जहां पे मेरा स्टॉप लॉस 5% का रहेगा एंड टारगेट 15% का रहेगा। एंड मैं यहां बैक टेस्टिंग पे क्लिक कर रहा हूं और मेरे सामने बैक टेस्टिंग के रिजल्ट्स आ चुके हैं, जहां पे जैसे उम्मीद थी कुछ स्टॉक्स के अंदर RSI ने बहुत ही ज्यादा बेटर परफॉर्म किया है। उनमें से एक स्टॉक है DHFL, दूसरा है येस बैंक, लेकिन अगर बाकी स्टॉक्स की बात करें तो वहां पे RSI ने थोड़ा डिसअपॉइंट भी किया है। तो अभी तक का कंक्लूजन ये है कि डेली टाइम फ्रेम में ओवरऑल RSI बेटर परफॉर्म कर रहा है, लेकिन कुछ स्टॉक्स के अंदर 2:1 रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो बेटर परफॉर्म करती है, कुछ स्टॉक्स के अंदर 3:1 रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो बेटर परफॉर्म करती है। तो आपको हर स्टॉक को इंडिविजुअली टेस्ट करना होगा ये देखने के लिए कि उसके अंदर कौन सी रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो बेटर परफॉर्म करेगी, 2:1 या 3:1। तो चलिए एक बार लास्ट और अटेम्प्ट कर लेते हैं इस स्ट्रेटजी को फर्दर इंप्रूव करने का, जहां पे मैं अगेन सब चीजें सेम रखने वाला हूं, सिर्फ एक चीज चेंज करने वाला हूं, जहां पे रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो जो कि अभी 3:1 है उसको बढ़ा के 4:1 करने वाला हूं, एंड देखने वाला हूं कि अभी क्या कुछ इंप्रूवमेंट होती है या फिर नहीं। और आप यहां पे मेरी स्क्रीन पे 4:1 रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो से आउटकम देख रहे हैं, जो कि मोस्टली हर स्टॉक में परफॉर्म कर रही है, एक या दो स्टॉक को छोड़ के, जहां पे आप देख रहे हैं कि पीसी ज्वेलर में 70% प्रॉफिट, बजाज फाइनेंस में 14% प्रॉफिट, DHFL में 78% प्रॉफिट, येस बैंक में 65% प्रॉफिट। तो परफॉर्मेंस जहां मिल रही है बहुत अच्छी मिल रही है, कुछ जगह इससे थोड़ा बहुत डिसअपॉइंट भी किया है, वहां पे हम दूसरी रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो से हेल्प ले सकते हैं, वहां पे हम दूसरी रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो यूज कर सकते हैं। लेकिन हाँ, ओवरऑल अगर मुझे सिर्फ हर स्टॉक में एक रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो रखनी हो एंड मुझे कोई चॉइस थे कि 2:1 रखनी है, 3:1 या 4:1, तो ऑब्वियसली मैं 4:1 चूज करूंगा, बिकॉज वो ज्यादा स्टॉक्स में चल रही है, बहुत कम स्टॉक्स में फेल हो रही है। तो जल्दी से ब्रीफ अप कर लेते हैं कि हमने इस वीडियो से एग्जैक्टली क्या क्या सीखा। सबसे पहली चीज तो यही है कि RSI इंडिकेटर छोटे टाइम फ्रेम में काम नहीं करता, लेकिन जैसे जैसे आप टाइम फ्रेम को बड़ा करते हैं, जैसे डेली टाइम फ्रेम, तो वहां पे वो काम करना स्टार्ट हो जाता है, वहां पे आपको सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट मिलती है। दूसरी चीज ये है कि रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो का बहुत बड़ा रोल है। अगर आप एक इंडिकेटर को, जैसे RSI इंडिकेटर को, अगर काम करवाना चाहते हैं तो आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो क्या होना चाहिए उस टाइप के स्टॉक के अंदर, वो बहुत मैटर करता है। तीसरी चीज हमने ये भी
की है कि आप हर टाइप के स्टॉक के अंदर सेम सेटिंग नहीं रख सकते हो। अपनी रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो या जो भी सेटिंग आप यूज कर रहे हो, आपको स्टॉक के टाइप के अकॉर्डिंग चूज करनी होती है। तो नेक्स्ट टाइम जब भी आप RSI इंडिकेटर यूज करें, उससे पहले जरूर ध्यान रखें कि आपको पहले बैक टेस्ट करना है। आपको पहले देखना है कि वो स्टॉक में क्या RSI इंडिकेटर काम करता है। अगर करता है तो उसके लिए कौन सी सेटिंग सबसे बेस्ट है, कौन सी रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो सबसे बेस्ट है और कौन सा टाइम फ्रेम सबसे बेस्ट है। इन तीनों चीजों को टेस्ट करने के बाद तभी अपना पैसा उसमें लगाएं। सिर्फ बुक्स में जो चीज लिखी है या आपको जो कोर्सेज में चीजें सिखाई जाती हैं उन पे बिल्कुल भी ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करना है। एकदम सब कुछ टेस्ट करके ही अपना पैसा लगाना है, अदरवाइज यू विल ऑलवेज लूज मनी। आई होप आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला हो। आई होप आपने जो यहाँ पे चीजें सीखी हैं उसको आप अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी में अप्लाई करके उसको इम्प्रूव कर पाए। अगर आप चाहते हैं हम ऐसी वीडियोस और भी बनाएं और भी इंडिकेटर्स को ऐसे ही टेस्ट करें एकदम डीप में जाके, तो आप उन इंडिकेटर्स का नाम और उन इंडिकेटर की स्ट्रेटजी नीचे कमेंट्स में लिख के हमको बता सकते हैं और हम ट्राई करेंगे कि उन इंडिकेटर को भी ऐसे ही एकदम अच्छे से टेस्ट करके आपको बताएं कि वो इंडिकेटर काम करते भी हैं या नहीं करते हैं, और अगर करते हैं तो उनमें आपको किन किन चीजों का ध्यान रखना है, वो किन किन टाइम फ्रेम में या किन किन रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो के साथ बेटर परफॉर्म कर सकते हैं। तो आज के लिए तो इतना ही, अभी के लिए तो इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो जरूर इसको लाइक करके हमको बता दें ताकि हम ऐसी वीडियो और भी बनाएं। और हाँ, अगर वीडियो अच्छी नहीं लगी तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड हैव अ ग्रेट डे।